Hello everyone, welcome to Stepping Success and you are listening to Ghazal Rohila. As you all know, we are preparing for KVS interview and in this video, we are going to discuss about full forms likely to be asked. कुछ ऐसी 25 full forms के बारे में हम जानेंगे, जो कि KVS interview में पूछी जा सकती हैं और थोड़ी-थोड़ी उनके बारे में background knowledge भी हम share करेंगे, ताकि अगर आपसे full form पूछी जाए, तो थोड़ा सा idea आपको उसके background के बारे में भी हो, ताकि आप वहाँ पर उस time blank ना खड़े हों। तो discuss करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड लेट्स स्टार्ट नाउ। फुल फॉर्म्स, तो सबसे पहले बात करेंगे सीबीएसई की। सीबीएसई बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसीलिए फुल फॉर्म हो जाती है क्योंकि सीबीएसई ही जो है हम गवर्नमेंट स्कूल में जो है केवी के स्कूल में टीचर लगने के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो वो सीबीएसई एफिलिएटेड होता है और जो सीटेट आप देकर आते हैं वो भी सीबीएसई ही कंडक्ट कराता है। तो इसीलिए ये फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इस ये एस्टैब्लिश हुआ था 3 नवंबर 1962 में और इसका जो मेन वर्क है, इसका मेन फंक्शन है वो है एफिलिएशन प्रोवाइड कराना स्कूल्स को, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, गवर्नमेंट स्कूल्स हों, केवीएस के स्कूल हैं, एनवीएस के स्कूल हैं, सभी स्कूल्स को एफिलिएशन प्रोवाइड कराना। आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स कि ये स्कूल सीबीएसई एफिलिएटेड है, तो यही है। और दूसरा काम है इसका कि एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराना, जैसे सीटेट का एग्ज़ाम हो गया, नीट का एग्ज़ाम हो गया, तो ये जो भी एग्ज़ाम हैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स ये कंडक्ट कराते हैं सीबीएसई। सेकंड इज एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो गई और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1961, सीबीएसई से एक साल पहले। और एनसीईआरटी का काम होता है टेक्स्ट बुक्स को, हैंड बुक्स को, गाइड बुक्स को, चिल्ड्रन लिटरेचर की जो बुक्स हैं उन सब को पब्लिश कराना, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि हाँ एनसीईआरटी की बुक्स हैं और दिल्ली में मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल्स में एनसीईआरटी की ही बुक फॉलो की जाती है, तो एनसीईआरटी का ही करिकुलम होता है। तो इसका मेन काम तो ये हो गया कि बुक्स पब्लिश कराना। दूसरा, जो कोर्स ऑफ स्टडी है बैचलर ऑफ एजुकेशन और एमएड बीएड की जो कोर्स ऑफ स्टडी है उस वो भी एनसीईआरटी को ही बेस मानकर की जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट इज एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। नाम से ही पता लग रहा है फ्रेंड्स, टीचर एजुकेशन, तो ये फोकस करता है टीचर्स की एजुकेशन पे, ठीक है। और ये एस्टैब्लिश हुआ था 1973 में और ये मॉनिटर करता है टीचर की एजुकेशन को। सर्वेज लिए जाते हैं और उन सर्वेज में किस तरह से टीचर एजुकेशन को, टीचर के लेवल को थोड़ा और अपग्रेड किया जा सकता है उस बारे में ये काउंसिल जो है ध्यान देता है। नेक्स्ट इज एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है मिनिस्ट्री है तो इसीलिए एक अमेंडमेंट के अंदर आई है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो 174th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। और ये जो हुआ, ये हुआ September 26, 1985 में। इसका जो मेन वर्क होता है वो होता है फॉर्मुलेटिंग एनपीई। एनपीई इज नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो जितनी भी नेशनल पॉलिसी बनाई जाती हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, उनको फॉर्मुलेट करने का काम, बनाने का काम, इम्प्लीमेंट करने का काम और जो भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए होती है एजुकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, कि स्टेट में है, सेंट्रल में है, उन सब का जो भी है फाइनेंशियल हेल्प एमएचआरडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एनसीएफ, जो कि है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो मैं अभी बात कर रही थी एनसीईआरटी में, जब हमने बात की थी कि एनसीईआरटी जो है करिकुलम प्रोवाइड करती है, तो ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है ये भी एनसीईआरटी के द्वारा ही बनाया गया है। तो अभी तक जो है एनसीएफ 4 आए हैं, 1975 में आया था, 1988 में आया, 2000 में आया एंड जो लास्ट था वो 2005 में आया, उसी को फॉलो किया जाता है। और तो उसका जो है करिकुलम है ये एक, तो करिकुलम का फ्रेमवर्क एक ढांचा बनाकर दे दिया जाता है, तो उसी के बेसिस पर सिलेबस और टेक्स्ट बुक्स बनाई जाती हैं एनसीईआरटी की। तो ये काम है इसका एनसीएफ का। सो नेक्स्ट इज डीपीईपी, दैट इज डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1994 में। तो प्राइमरी एजुकेशन नाम से ही पता लग रहा है, तो इसका काम था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो था कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, जो भी प्राइमरी लेवल पे फर्स्ट टू फिफ्थ की जो क्लासेस हैं उसका यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है, सार्वभौमीकरण जिसको हम बोलते हैं, तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, ये काम था डीपीईपी का। नेक्स्ट इज एससीईआरटी, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये है
5 जनवरी 1979 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और इसका काम होता है कि जो भी एनसीईआरटी के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी तो नेशनल लेवल पे हो गई, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, और एससीईआरटी स्टेट लेवल पर हो गई, स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो जो भी एनसीईआरटी की जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने में हेल्प करना, ये होता है स्टेट का काम, स्टेट जो काउंसिल है एससीईआरटी का काम होता है ये। फिर इसमें आता है कि जो भी स्कूल्स में इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, वो भी इसी का काम होता है। जो ये डाइट के, जो डाइट के कोर्सेज होते हैं तो वो एससीईआरटी कराता है। तो ये जो डाइट वाले कोर्सेज होते हैं तो इनको हम इन सर्विस ट्रेनिंग बोलते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज। तो इनके लिए टेक्स्ट बुक प्रोवाइड कराना और इनका जो है एससीईआरटी के अंडर आते हैं फिर ये। नेक्स्ट इज आरटीई, राइट टू एजुकेशन। इसको हम राइट टू एजुकेशन 2009 बोल सकते हैं, क्योंकि तो इसका काम था फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जो कि 6 to 14 ईयर के बच्चों के लिए, ठीक है, एलिमेंट्री लेवल पर था ये। तो एलिमेंट्री लेवल में 6 to 14 ईयर, 1st to 8 क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, तो उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड कराना, ये था आरटीई का काम। आरटीई के लिए एक डिटेल में वीडियो में डालने वाली हूँ, तो उसमें ज़्यादा अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी इसमें सिर्फ फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेक्स्ट इज आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म होगी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका काफ़ी यूज़ किया जा रहा है, तो माइट भी ये पूछ सके हैं आपसे इंटरव्यू में, तो पता होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज सीसीई, जो कि है कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका काम है कि जो एजुकेशन को बर्डन फ्री बनाना, एक्चुअली था में हो गया ये थोड़ा सा, कि इसको हटाने के लिए, पूरी तरह से हटा नहीं है पर इसको हटाने के लिए थोड़ा बात की जा रही है, क्योंकि बच्चों के माइंड में ये बात हो गई है कि हाँ वो उनको लाइटली लेने गए लगे हैं, मतलब बर्डन फ्री करना चाह रहे थे पर बच्चे जो है इसको बिल्कुल ही लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया, तो इसलिए इसको हटाने की बात की जा रही है। तो ये है सीसीई, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट इज डाइट, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। तो जो फ्रेंड्स डाइट करके जा रहे हैं या डीएलएड करके जा रहे हैं, तो उनको कम से कम इस चीज़ की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और डाइट जो है वो एस्टैब्लिश की गई थी अक्टूबर 1987 में, और इनका काम होता है प्री सर्विस और इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, एक्शन रिसर्च कराना, ठीक है। तो जो भी प्रोविजंस हैं एनपीई के, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के, उनको जो है इन सर्विस और प्री सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना इनका काम होता है डाइट का, और ये अंडर आते हैं एससीईआरटी के, जो अभी मैंने बताया था। नेक्स्ट इज डीएलएड, दैट इज डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एक 2 ईयर कोर्स है और फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स है, और ये डेवलप किया है NIOS ने, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन लर्निंग। तो ये उसने डेवलप किया है DLN। तो ये जो है ये भी वही इन सर्विस और ट्रेन जो अनट्रेन टीचर्स होते हैं उनके लिए है, तो 2 ईयर्स का कोर्स है इसी के लिए, टीचर के लिए। नेक्स्ट इज NCC, दैट इज नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है, और ये ओपन है उन बच्चों के लिए, कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपने वॉलेंट्री बेसिस पर यहाँ पर इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। तो एनसीसी में कुछ बच्चे जाते भी हैं, आपके फ्रेंड्स में से भी कोई होगा जिसने एनसीसी ज्वाइन किया होगा। तो ये है ओपन स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, कोई भी वॉलेंट्रीली अगर जाना चाहता है तो जा सकते हैं। नेक्स्ट इज NSS, दैट इज नेशनल सर्विस स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 1969 में, और इसका एम था सोशल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का जो है बिल्कुल ही सोशल वेलफेयर, जैसे सर्विस स्कीम है नेशनल सर्विस स्कीम, तो उसके लिए इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट इज CTET, दैट इज CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि आप सब क्लियर करके ही जा रहे होंगे, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता है, और नहीं भी है तो पता होनी चाहिए। तो ये जो मैंने अभी बताया था, CBSE ही इसको जो कंडक्ट कराता है, और ये अंडर MHRD है। इसका एम है कि प्रोवाइड करना स्टैंडर्ड टीचर्स को, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो एलिजिबिलिटी ही टेस्ट की जाती है, तो ये उस चीज़ के लिए टेस्ट है। नेक्स्ट इज नीट, NEET, दैट इज नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये होता है टू फिल सीट्स, मेडिकल सीट्स अक्रॉस कंट्री, मतलब ये भी कंडक्ट करवाया जाता है CBSE द्वारा ही, जो सीटेट था वो भी, और ये भी CBSE ही कंडक्ट कराता है, और ये स्पेशली मेडिकल फील्ड के लिए होता है। तो मेडिकल सीट्स जो भी अक्रॉस द कंट्री हैं उसमें मेडिकल की सीट को फिल करने के लिए जो है ये एक कॉमन टेस्ट होता है, एंट्रेंस टेस्ट।
नेक्स्ट इज MLL, दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. तो इसमें बेसिकली मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग में ये देखा गया कि जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, मतलब कास्ट को ना ध्यान में रख के, रिलीजन को और इन सब चीज़ों को ध्यान में ना रख के, उन बच्चों को एक स्टैंडर्ड की, मतलब कंपेरेबल स्टैंडर्ड की उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि मिनिमम उनको इतना तो आता ही हो, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग. तो ये थी इसकी बात. नेक्स्ट इज NAAC, दैट इज नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल. तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1994 में, और ये जो एजुकेशन की क्वालिटी को, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए था, ठीक है. तो और दूसरी बात ये कि उच्च शिक्षा संस्थानों का आकलन और उन्हें मान्यता देना, ठीक है, जो हायर हैं, UGC लेवल के जो हैं, उनको जो है एक्रीडिएट करना, उनको मान्यता देना, इसका काम था NAAC का. नेक्स्ट इज मिड डे मील, MDM, जो कि मिड डे मील है, उसको 1995 में लॉन्च किया गया था. और इसका जो मेन पर्पस था वो था कि बच्चों के जो प्राइमरी स्टूडेंट के बेसिकली जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है उनका, उसको इम्प्रूव कराया जाए. तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में भी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, DEO की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर. आगे देखते हैं फ्रेंड्स, CABE, CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन. CABE फ्रेंड्स, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1920 में टू एडवाइज सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. को एडवाइजरी बोर्ड है तो सेंटर को और स्टेट में दोनों जगह ये जो है अपनी एडवाइस दे सकता है. गवर्नमेंट की फील्ड में जो भी कोई हेल्प अगर चाहिए होती है स्टेट और सेंटर को, तो ये एडवाइजरी बोर्ड है एजुकेशन के लिए स्पेशली. नेक्स्ट इज B2B, दैट इज बैक टू बेसिक. तो इसमें है कि टू एंश्योर अटेनमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स इन ऑल सब्जेक्ट्स फॉर क्लास वाज फर्स्ट टू एट. तो जितनी भी एक्सपेक्टेड है, कम से कम वो लर्निंग उनकी होनी चाहिए क्लास फर्स्ट टू एट में, ठीक है. तो उस मतलब एक्सपेक्टेड लर्निंग को अटेन करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए बैक टू बेसिक जो है स्टार्ट किया गया था. और ये KAVE का ही है तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है B2B की फुल फॉर्म जानना. नेक्स्ट इज NEUPA, NEUPA, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो इसको एस्टैब्लिश किया गया था MHRD द्वारा, और इसको इसमें प्रमोट किया जाता है रिसर्च एंड प्लानिंग को, ठीक है. जैसे पता लग रहा है एजुकेशनल रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, तो एजुकेशन की फील्ड में जो रिसर्च का काम होता है, रिसर्च वगैरह होती है, एक्शन रिसर्च वगैरह जो भी, तो वो इसका काम है, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट इज UNICEF, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड. इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है स्टार्ट किया गया था रिलीफ के लिए, मतलब 1946 में इसको बनाया गया था, और वर्ल्ड वॉर टू जो हुआ था उसके बाद UNICEF को जो है स्थापित किया गया था एमरजेंसी फंड के रूप में, कि जो बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड या फिर वैसे उनकी ओवरऑल उनका ध्यान रखने के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए इसको बनाया गया था. एंड लास्ट इज NPE, दैट इज नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. और नेशनल पॉलिसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इसके बारे में मैंने बताया था पहले ही, NPE जो बनाता है उसको फॉर्मुलेट करने का काम होता है, वो होता है MHRD का. तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो है इसका काम होता है टू प्रमोट एजुकेशन अमंग इंडियाज पीपल, ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करना, ठीक है, जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना सभी इंडिया के पीपल के बीच में. और दूसरा, दोनों चीज़ों को कवर करता है, रूरल को भी और अर्बन एरियाज़ को, दोनों ही एरियाज़ को कवर करके एजुकेशन को प्रोवाइड कराना, ये है NPE का काम, ठीक है, उसको फैलाना कि हाँ एजुकेशन कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या ज़रूरत है उसकी, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए. तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन ये हो गया. सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड ड्रॉप योर वैल्यूएबल कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन. और फ्रेंड्स, अगर आपने फेसबुक पेज को, हमारा फेसबुक पेज है, उस पर आप जाके उसको भी ज्वाइन कीजिएगा. थैंक यू सो मच.